भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के अध्यक्ष बेलीराम कौंडल और संयोजक जोगिंदर वालिया ने संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल से फोरलेन संघर्ष समिति और भूमि अधिग्रहण मंच अपनी आवाज उठाता रहा है। जयराम सरकार दर्जनों बार सब कमेटियों की बैठक के बाद हमेशा कहती है कि वो फोरलेन से प्रभावित किसानों के बारे में चिंतित और संवेदनशील है, लेकिन 4 गुना मुआवजे के बारे में आनाकानी और टालमटोल की नीति लगातार अपना रही है और आने वाले दिनों में लाखों किसानों की अनदेखी चुनावों में महंगी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्य मंत्रिमंडल कमेटी की बैठक शिमला में हुई, जिसमें अब बहाना बना रहे हैं। हिमाचल सरकार आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए टाल मटोल की नीति और किसानों में भ्रमित बयानबाजी कर लोगों को गुमराह कर रही है। प्रभावित मंच आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को एक मैसेज दिया है कि पिछले 5 सालों में सरकार ने हमारे किसानों को, प्रभावितों को ठगा हुआ है यूनियन गठित कर करके। इसलिए अब यह निर्णय लिया गया है कि 5 सितंबर को हर जिला में भूमि अधिग्रहण प्रभावित जितने भी लोग हैं वे एक प्रोटेस्ट करेंगे हर सब डिविजनल हेडक्वार्टर पर और एक मेमोरेंडम सरकार को देंगे कि उनके पास ये आखिरी मौका है, अगर वो लोगों के हित में कोई निर्णय लेना चाहती है तो ले लें, अन्यथा आप सरकार के पास केवल 3 महीने का समय बचा है। यही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मेन मुद्दा था। देखिए, जो कम मुआवजे की और जो दूसरे जुल्म व सितम की कहानी है सरकार की किसानों के प्रति, वो सब जगह बराबर है, लेकिन उस जुल्म व सितम की इम्तहा हमारे जो मंडी कोटली धर्मपुर जलंधर का जो NH है, NH003, उसकी तब हो जाती है इम्तहा जब बरसात के मौसम में सरकार जो है व्यावसायिक परिसरों पर और आवासीय परिसरों पर पहला झपट्टा मारती है, जबकि 100 किलोमीटर के स्पैन में कहीं अभी काम नहीं हो रहा इनका, लेकिन सबसे पहले उजाड़ने के लिए जो है आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में आकर के इन्होंने झपट्टा मारा है, जो कि बरसात के मौसम में लोगों को इस प्रकार विस्थापित किया जा रहा है जो कि पिछले कई सालों से वहाँ कारोबार कर रहे हैं, रह रहे हैं और अब हमेशा हमेशा के लिए उनको उजड़ जाना है। मैं नरेश कुमार भूमि अधिग्रहण प्रभावित संयोजक, हम सनौर की 14-21 पंचायतों को सरकार से मांग करते हैं कि टोल मुक्त किया जाए। हम काफ़ी समय से इस मांग को उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कुछ भी इस विषय पे नहीं किया और हम आने वाले दिनों में 5 सितंबर को ऑट में धरना प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे और सनौर की पंचायतों को टोल मुक्त किया जाए। धन्यवाद। सिटी हार्ट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मेहरे बड़सर जिला हमीरपुर का एकमात्र हृदय रोग निवारण केंद्र आपकी सेवा में 24 घंटे कार्यरत है। यहाँ होता है हृदय रोग संबंधित हर बीमारी का इलाज। यहाँ हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम आपके हृदय का बेहतर इलाज एवं देखभाल करने को हमेशा तैयार है। यहाँ हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड भी मान्य है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं भी यहाँ कर्मचारियों को प्रदान की जाती हैं। हृदय संबंधी किसी भी इमरजेंसी के लिए कृपया संपर्क करें 0972-22-22। आपके हृदय की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। हमारा पता है भकरेड़ी, तहसील बड़सर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।